दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक सिरफिरे युवक ने बीच चौराहे पर करीब 15 मिनट तक इस कदर आतंक मचाया कि देखने वाले भी कांप उठे। जहां उसने चलती गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, फल विक्रेताओं के फल गिराए, पुलिस गाड़ी से तरबूज निकाला, तो वहीं पुलिस पिकेट पर ड्यूटी कर रहे एक पीआरडी के जवान को थप्पड़ रसीद कर दिए और पुलिसकर्मी से लेकर आम जनता तक कुछ नहीं कर पाए। इसी बीच आरोपी युवक अपनी बाइक छोड़ दूसरी बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गया। हालांकि पूरी घटना पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आगे की वीडियो में हम पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। ननोता नगर के संजय चौक पर पुलिस पिकेट के सामने एक सिरफिरे युवक ने सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे कुछ इस कदर हुड़दंग मचाया कि एक बार वहां खड़े लोगों और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले आरोपी युवक ने संजय चौक से होकर गुजर रही एक क्रेटा गाड़ी के पिछले शीशे में पत्थर मारकर शीशा फोड़ दिया। इस घटना से चालक इतना घबरा गया कि वह गाड़ी रोकने के बजाय बहुत तेजी से गंगों की ओर लेकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद युवक ने शामली की ओर से आ रही एक अर्बन क्रूजर गाड़ी UP 11 CF 1485 के पिछले शीशे में बड़ा सा पत्थर मारा, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। इसके बाद गाड़ी चालक नसीम वापस गाड़ी को आगे से घुमाकर पुलिस पिकेट पर लेकर पहुंचा। गाड़ी में 5 आदमी सवार थे, जिसमें एक शामली थाने में तैनात सिपाही भी बैठा था, जो सहारनपुर DIG ऑफिस में किसी काम के लिए जा रहा था। गाड़ी सवार युवकों ने बताया कि वह थाना नागल क्षेत्र के गांव सिरसना के रहने वाले हैं और शामली से सहारनपुर जा रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं गाड़ी चालक नसीम ने इस घटना को लेकर क्या बताया। बताओ, आपका क्या नाम है? नसीम है जी मेरा। आप गाड़ी चला रहे थे? क्या हुआ? एक आदमी आज पीछे से। अच्छा, पहले तो उसने ऐसे ही उठा रखा था, सामने से नहीं मारी उसने, भी पीछे से मारा। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, उसमें गाड़ी से बच गया जी। कितने आदमी बैठे थे पीछे? कितने आदमी थे? एक आदमी छोड़ा। पुलिस पिकेट पर तैनात एक पीआरडी जवान स्वराज सिंह ने जब सिरफिरे को रोकने की कोशिश की, तो उस सिरफिरे ने आगे से उनके ऊपर ही थप्पड़ बरसा दिए। इसी दौरान जब वहां से थाने की एक गाड़ी गुजरी, तो उसने पुलिस कर्मियों को रुकवाकर गाड़ी में रखा तरबूज निकाल लिया। इसके बाद भी सिरफिरे का आतंक नहीं रुका, उसने संजय चौक के कोने पर लगे फल के ठिए से केले उठाए और चारों ओर फेंकने लगा। इसके अलावा वह अपना मोबाइल भी सड़क पर फेंकते हुए चिल्लाने लगा। इसी दौरान जब लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की, तो सिरफिरा जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे वहां के लोग डर गए। जिस समय सिरफिरा युवक भरे चौराहे पर यह हंगामा कर रहा था, उसके करीब 15 मिनट बाद पल्सर बाइक पर एक युवक आया और उसे अपने साथ बैठाकर देवबंद रोड की ओर ले गया, जबकि आरोपी युवक की सिटी 100 बाइक चौराहे पर ही छूट गई। थाना पुलिस ने आरोपी की बाइक व मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है, तो वहीं बाइक नंबर व मोबाइल के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना घटी, उस समय पुलिस पिकेट पर पीआरडी का अकेला जवान स्वराज सिंह ड्यूटी कर रहा था। दो पुलिसकर्मी मोहसिन खान व कविंद्र ढाका उस समय पिकेट छोड़कर खाना खाने गए हुए थे। आइए आपको भी दिखाते हैं पीआरडी जवान स्वराज सिंह का वह वीडियो, जिसमें वह अपनी आपबीती बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? स्वराज सिंह। स्वराज सिंह, आप यहाँ पे नौनुक्ता जो चौकी है संजय चौक पे, इस पे ड्यूटी पे करते हैं, पीआरडी के जवान है? क्या हुआ जी मामला दोपहर में? दोपहर में साहब मैं सो रहे उधर रोकने के लिए आज जनता का हृदय आया, जिसने पत्थर जो ईट पत्थर मार रहा था, जो ईट पत्थर मार रहा था उसे रोकने के लिए गए। हाँ जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसने जाना एकदम मेरे को मारे जी, रैपट मारा मुंह पे। हाँ जी। कितने मारे? दो रैपट मारे। फिर आपने क्या कार्रवाई की? अच्छा जी, फिर जाना मुझे ऐसा होता है जी, ये तो इनकी ड्यूटी दिया तो उधर हुआ कि इनका पता, फिर उसके पास हो गए और कुछ नहीं जी। यहाँ किस किस की ड्यूटी थी आज? उनके नाम जी, इसकी मोमिन है, वो खाना खा जा रहा है मेरे साथ। अच्छा, और दूसरा कौन था? वो तो मैं तो अकेला ही था, मैं तो दूसरे दरोगा थे जी। दरोगा क्या नाम है? नहीं जी, उनकी ड्यूटी में वो तो वैसे ही आ रहे थे जी। अच्छा, तो वे आए थे आज। ठीक, आप पीआरडी के जवान हैं? हाँ जी हाँ। आपको बता दें कि यह समाचार लिखे जाने तक आरोपी की तलाश की जा रही थी। इस खबर से जुड़ी अपडेट और सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर। श्री साई परिवार समिति मानव सेवा में सदैव तत्पर। समिति का एकमात्र उद्देश्य, कब सांसें रुक जाए क्या पता, इसलिए जब तक जीवित है मानव सेवा करते रहे। समिति कई तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न है, जैसे साप्ताहिक लंगर, राशन सेवा, गरीब छात्रों की फीस का प्रबंध आदि, वो भी बिना कोई चंदा मांगे, केवल साईं परिवार के सदस्यों के सहयोग से संचालित।
किसी मजबूर की परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।